So we are starting our session on air pollution and why we required to study this topic, that is air pollution. ठीक है, हाँ बताओ भाई, why we require this topic, that is air pollution, why it is important in the environmental science? क्यों important है बताओ? इसका importance क्या है? What is the importance? मतलब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? इसको हम स्किप भी तो कर सकते हैं एनवायरनमेंट साइंस में, नहीं? क्यों नहीं स्किप कर सकते बताओ? फॉर कंजर्वेशन ऑफ आवर नेचर, एनवायरनमेंट को बचाना। टॉपिक लिखो पहले तो, रजिस्टर ऑन करके आज का टॉपिक लिखो, डेट लिखो, ठीक है, और कोर्स लिखो, कोर्स एनवायरमेंटल साइंस के अंदर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। सी बेसिकली व्हाट air pollution consists of, the what does it consist? It consists basically polluting an environment. ठीक है, अब suppose करो कि हमारे पास environment हम represent कर रहे हैं, we have the environment which has, इधर देखो, the environment which has plantation trees, ठीक है, then we have the इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमारे बर्ड्स हो गए, फिर हमारे ह्यूमन स्पीशीज होगी, क्लियर, देन वी हैव द ह्यूमन स्पीशीज। सो बेसिकली व्हाट लेड टू एयर पोल्यूशन, व्हाट लेड टू एयर पोल्यूशन, व्हाट लेड टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैसे जनरेट हुआ? सबसे पहले हमारी जो हवा है, एयर, बेसिकली air is a composition of number of gases. We have the oxygen, we have the nitrogen, we have argon, we have helium, we have hydrogen, we have number of types of gases that are available in air. So what does a human being require? Human being ko kya chahiye? Human being require oxygen, fresh oxygen, but human being also require other gases as well. Hamari body ko sirf oxygen ki zarurat nahi hoti, hamari body ko other elements ki bhi zarurat hoti hai, taki hamari body jo hai wo healthy perform kare. Kya perform kare? Healthy perform kare, theek hai. So what we, the human lungs basically, when you say what are human lungs basically, human lungs are basically the passages of air, and the alveoli in your human lung is basically exchanging the gases with the surroundings. So, हम basically क्या कर रहे हैं? हमारे जो blood के अंदर, जो हमारा blood है, वो अलग-अलग type के organs में जाएगा? Yes or no? अगर हमारे blood pure ही नहीं होगा, तो हमारे blood जो है, वो organs को damage करेगा. क्या करेगा? डैमेज करेगा, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जो ह्यूमन लंग्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर डूइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस आर बीन एक्सचेंज विद आवर ब्लड, दैट बेसिकली द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू वेन्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमारा जो पैसेज है, पैसेज ये बेसिकली नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज, इस नेजल पैसेज से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं एयर को, और एयर बेसिकली क्या कर रही है, हमारा इंटरैक्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दी ब्रोंकाइटिस, जो हमारा यहाँ पर, इसको ब्रोंकाइटिस और एलवी एलवी सैक बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग इज, इट इज बेसिकली ब्रीदिंग and it is exchanging the gases. So if you will pollute your lungs, your blood will also get diluted with toxins, yes or no? So your body will not perform the function that is been required. So basically aapne corona time mein dekha hoga, corona time mein why people were more scared was ke they were getting the infection in their lungs, and due to this infection the body was not able to exchange the gases with respect to the surroundings, theek hai. So unhone kya kiya, unhone ek aur isme mask laga diya protection ke liye,
सो व्हाट वाज दिस प्रोटेक्शन मास्क? प्रोटेक्शन मास्क वाज कि आपके जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये जो है, दीज आर दी फॉरेन एलिमेंट्स, दीज फॉरेन एलिमेंट्स डू नॉट गेट एंटर्ड इन टू दी लंग्स, दीज फॉरेन एलिमेंट्स डू नॉट गेट इन टू दी लंग्स, सो दे रिस्ट्रिक्टेड पैसेज. इसको बेसिकली क्या कह रहा हूँ, फिल्टर बोल लो, फिल्टर. जैसे हमारा गाड़ी में फिल्टर लगा होता है, तो वो फिल्टर बेसिकली क्या काम करता है, फिल्टर जो एयर क्लीन है उसको सिस्टम में भेजता है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहां पे फिल्टर आउट हो जाते हैं. ठीक है, बट दिस फिल्टर वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन कोरोना टाइम्स. वाई? बिकॉज आप ब्रीथ इन तो ऑक्सीजन कर रहे हो और आपको रिलीज क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है. ठीक है, तो यू हैव टू रिलीज रिलीज ऑल्सो. तो बेसिकली रिलीज CO2. सो CO2 जैसे आप रिलीज करोगे तो आपके जो फ्लोरेट है, फ्लोरेट मतलब जिस फ्लोरेट से हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है ना, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट? वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट होता है कि कितनी लंग्स की कैपेसिटी है कि वो ब्रीद कर सके और कितनी मैक्सिमम ब्रेथ ले सके. यानी कि अगर मेरे लंग्स की होल्डिंग कैपेसिटी है कि पर फ्लोरेट की बात की जाए कि पर सेकंड में मैं कितने मास ऑफ एयर अंदर इंडक्ट कर सकता हूं और कितने मास ऑफ एयर को मैं निकाल सकता हूं. तो अगर मेरे लंग्स की कैपेसिटी के भाई साहब, मेरा लंग्स जो है वो 500 या 600 ग्राम्स की एयर जो है वो मैक्सिमम ले सकता है और मैं ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स या 200 ग्राम्स की एयर. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरी जो सिस्टम की लंग्स की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कितनी है. ठीक है ना, तभी बाबा रामदेव, अदर एथलीट्स, जितने योगा परफॉर्मर्स है, ये क्या कहते हैं, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी, ब्रेथ पे फोकस करो. ठीक है, कितनी मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हो, कैसे आपका बॉडी जो है वो फंक्शन करे. आप बॉडी के अंदर टॉक्सिक डालते रहो तो बॉडी ऑलरेडी बॉडी जो है वो एक्यूमुलेट कर देगी नंबर ऑफ टॉक्सिक डिपॉजिट्स है. ठीक है ना, स्मोकिंग बेसिकली क्या करती है, टार को यहाँ पे डेवलप करती है. तो टार जब आपने वीडियो में देखा होगा, टार को ऐसे दिखते हैं, तो दिस इज सो मच ऑफ सॉलिड दैट इज कमिंग. ठीक है ना, लिक्विडस सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो रखा है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई पीपल से डोंट स्मोक. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग योर ह्यूमन बॉडी टू परफॉर्म इट्स बेस्ट. From the best function, what you require is, you require a clean environment and a clean air and a cross ventilation. ठीक है ना, जापानीज़ ने एक experiment perform किया था at the time of corona. What they observed was कि when you were in a closed room and people were breathing, the breath they were inhaling or exhaling was shown on the image. ठीक है ना, और फिर बाद में उन्होंने cross ventilation start कर दिया. Cross ventilation में ये check किया कि जो हम इंटरैक्ट करते हैं तो वो डिस्टेंस मेंटेन करके वो सेटल डाउन हो जाता है. तो देयर इज नो चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसमिशंस ऑफ पॉइंट वन टू पॉइंट टू. ठीक है ना, सो इसमें आपने बेसिकली टॉपिक में क्या स्टडी करना है, सबसे पहले कि कौन कौन से टाइप्स के एयर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स हैं. ठीक है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूशन? नाउ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूशन. इन हिस्ट्री ऑफ एयर पोल्यूशन, you know there was a Bhopal gas tragedy. ठीक है ना, so why, what was this Bhopal gas tragedy? The company name was Union Carbide Pesticide. So Union Carbide Pesticide plant got leak and it killed approximately 2000 people and approximately 1 lakh people were permanently disabled using this Union Carbide Pesticide. And there was release of this gas that was known as methyl isocyanate. So this methyl isocyanate was used as intermediator in manufacturing of a product known as 7 or carbol. All right. So what it does was, इस गैस ने क्या किया basically? Hello. जब लंग्स के अंदर ये एकदम से एंटर करी, इट डज नॉट मेक द मैल फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो लंग्स को एकदम से इरिटेंट
क्रिएट हुआ जिसके करके आपका जो फ्लूइड था वो फ्लूइड बनना स्टार्ट कर गया लंग्स के अंदर, इन्फेक्शन क्रिएट हो गया जिससे आपका जो एयर सैक था ये एयर सैक ब्रीद नहीं कर पाया जिसके करके मेनली कैजुअलिटीज अकर हुई। सो दिस वॉज बेसिकली दिस इंसिडेंट वॉज दिस सबोटेज और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। जो इंडस्ट्रीज में गैसेस लीक होती हैं तो गैसेस दैट द टॉक्सिक गैसेस दैट आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लंग्स ये वहां रुकी भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो इट टुक प्लेस इन December 3rd, 1984 एंड इट वॉज द मोस्ट एंड मोस्ट डेडली यू कैन से रिलीज ऑफ गैसेस एंड उसके आसपास जितने भी विसिनिटी के लोग थे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक ये इफेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, नाउ यू नो देयर वाज अनदर इंसिडेंट दैट वाज द वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो आपका प्लेन क्रैश किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी 9/11 में ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मैक्सिमम ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो हिस्ट्री सेज देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस एंड पीपल हैव सफर्ड अ लॉट फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, हिस्टोरिकल एयर पोल्यूटेंट्स। नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव द इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना, एयर पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्रियल, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल हो गए यहाँ पे इंडस्ट्रियल, ठीक है, योर केमिकल, योर पेस्टिसाइड, सो दीज आर दीज ऑल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स आर ऑल्सो मेनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जनरेशन ऑफ दिस नॉक्स एमिशंस इनटू द एनवायरमेंट एंड इट इज वेरी डेंजरस। सो आई विल गिव यू अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एमिशंस, वेदर इट इज योर emissions that are generated by our petrol engines जैसे आपका unburned hydrocarbon H release करता है, carbon dioxide release करता है, carbon monoxide release करता है, methane release करता है, sulfur अगर compound आपका fuel में है तो sulfur dioxide release करता है, तो it releases number of compounds। और diesel गाड़ी के अंदर क्या है, diesel vehicle में आपका particulate matter हो गया और soot formation हो गया, so these are the number of emissions that have been generated from diesel vehicle components। तो यहाँ आपका डीजल व्हीकल और यू कैन से ऑटोमोबाइल एमिशन। नाउ व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस कोर्स इज यू विल लर्न बेसिकली व्हाट आर द रिलीजेस ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट एंड सेकंड व्हाट टाइप ऑफ वेरियस मॉनिटरिंग और एनालिसिस डिवाइसेस आर बीन माउंटेड टू मॉनिटर। ऑलराइट, सो मॉनिटरिंग में हम देयर इज एन इंडेक्स नोन एज योर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। व्हाट इज दिस AQI? AQI इज योर एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग, दिस इज अ स्केल, एक्चुअली स्केल मींस फ्रॉम 0 to 500 देयर इज अ स्केलिंग बीन मेंशन कि आपका अगर ब्रीदिंग करनी है तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये ब्रीदिंग के लिए परफेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको मॉडरेट सिम्टम्स क्रिएट होंगे, देन दिस विल बी द सीवियर एंड दिस विल बी डेडलीस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ स्केलिंग, इसको हम स्केलिंग बोलते हैं, वी कॉल इट दैट स्केलिंग ऑफ AQI। ऑलराइट, सो स्केलिंग मींस फ्रॉम 0 to 1500 देन वी हैव 300 देन वी हैव 500। So what this scaling is basically representing, this scaling is representing how much amount of AQI is in that particular region. So you might have observed in the month of October and November in Nirjal region in India, maximum pollutants in Delhi. Why? Because of your smoke and fog also, but release of all these gases due to stubble burning. जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड का जितना भी मास अवेलेबल है तो फार्मर्स व्हाट दे डू इज दे डू द बर्निंग ऑफ दिस वेस्ट लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट कहती है कि बेसिकली आपको जो लेफ्ट ओवर है लेफ्ट ओवर हमारे को दे दो, हम इसको इथेनॉल प्रोडक्शन में लगाएंगे। सो द लेफ्ट ओवर्स आर ऑल्सो यूज एज इथेनॉल प्रोडक्ट, बट ड्यू टू टाइम कंजम्पशन एंड ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज फार्मर्स जस्ट बर्न द स्टबल।
there are various types of initiatives taken by government of India to counter that stubble burning. How to fix this stubble burning problems? So there are a number of parameters to fix this stubble burning. Some have done chemical, dissolution. है ना, केमिकल डिसोल्यूशन. अनदर इज योर ट्रांसपोर्टेशन. एक पॉइंट से खाली कर दो पूरे मैदान को, दूसरे पॉइंट पे ले जाओ. सो दैट आल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस हियर इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डिस्कस द रेडॉन. थोड़े पॉइंट्स लिख लो आपको. रेडॉन इन एटमोस्फेयर we have the troposphere. In atmosphere we have the troposphere. Now what is this troposphere? This is basically, you can say, the layer starting from the ground level. So ground level se ab tak aapka troposphere level hai, and it is up to 10 to 12 miles above. Theek hai, and it's basically, this atmosphere is a mixture of all the gases, and what we require here is, we require to first of all know the composition of air, in which we have 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% carbon dioxide, then water vapors and the other gases. So basically what we have is, we have the layers of the earth that have been divided into number of layers. Write down number one, troposphere. Next is stratosphere. Then we have mesosphere. Then we have thermosphere. So you should know that in our earth, how we are starting the layers 1, 2, 3, and 4. Troposphere, then stratosphere, mesosphere, and thermosphere. So as you go up above the level, the other layers are being defined. All right. Now, when you define the sources of air pollution, we have the natural sources. Natural sources, कौन कौन से natural sources होते हैं भाई, बताओ जरा आपके mind में क्या आता है? Natural sources क्या है air को pollute करने के? देखो, volcano eruption पहला. Then you have forest fire, जो जंगलों में आग लग जाती है अपने आप, वो भी एक. Then you have dust storms. ठीक है ना, तूफान आ गया, डस्ट क्रिएट हुई, तो वो भी ह्यूमंस के लिए कंफर्टेबल नहीं है. देन यू हैव ओशंस, प्लांट्स एंड ट्रीज. दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. अब बेसिकली हमें पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन नहीं. डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है? कटिंग ऑफ ऑल द प्लांट्स, तो वो डिफॉरेस्टेशन में आ जाता है. ठीक है, अब बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, देयर आर सेकंड इज योर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज. लिखो एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक दैट आर द सोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. वी कॉल दिस एज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज. सो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में देयर आर पॉइंट सोर्सेज एंड देयर आर एरियल सोर्सेज एंड लाइन सोर्सेज. तो सबसे पहले पॉइंट सोर्सेज का लिखो. पॉइंट सोर्सेज में इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, पावर प्लांट, फ्यूल and combustion. So ye point sources ho gaye. Then air sources, we have area sources, residential, point sources mein aapke industrial processing, power plant, fuels combustion, yani ki jaise aapka petrol diesel ko burn kar rahe ho, this comes under the point sources. Then you have the area sources, it consists of residential heating, coal gas, oil. Then you have site incineration, thermal incineration, matlab ek plant hai, plant ke andar aapne sara biomass dala hua hai aur usko aap burn kar rahe ho, so that is thermal incineration plant. Then you have open burning, stubble burning, ye aapka area resources mein aa gaya. Theek hai, then you have mobile resources mein highway vehicles, then you have
railroad locomotives, you have your channel vessels. So these comes under the mobile resources. Now write down, what are the criteria air pollutants? So basically, as per the National Ambient Air Quality Standards, write down, this is NAAQS. What is NAAQS? NAAQS means National Ambient Air Quality Standards. NAAQS. So what is this National Ambient Air Quality Standards? So based on the human effect with measurements of air quality, so there are various types of standards that are being met. All right. Now in this standards, what type of gases you have to write down? Number one, CO, carbon monoxide, then oxides of nitrogen, then you have sulfur dioxide, then you have volatile organic compounds, you have particulates, and you have lead, that is PB. Clear? Then these are the criteria air pollutants. These are the criteria. Then you have, after the criteria, you have hazardous air pollutants. Hazardous. Now, basically, the government of India established the Environmental Protection Act. The Environmental Protection Act that was adopted in 1990. And in this Environmental Protection Act, there were around 190 chemicals that were being listed. And these chemicals were based on the health criteria. And so there are 180 chemicals that comes under this hazardous air pollutant. So basically, when these chemicals are being released in the environment, so it becomes difficult for the humans to breathe. Then we have the non-criteria pollutants. So the non-criteria pollutants consist of like sodium chloride, carbon monoxide. So these are the non-criteria pollutants. Now, basically, we will discuss on number of, we will come to the type of questions. So, which type of questions are important for these air pollutions? Now, suppose question comes like, can you explain the term air pollution? And what are the pollutants that are susceptible to accumulations? Then, what do you understand by the term known as smog? Okay, then there is a term known as soot, and why we celebrate Earth Day. Okay, why do we celebrate Earth Day? And what do you explain the significance of World Environment Day? And then there is an Earth Summit. So now also there are certain questions consisting of explain various spheres of the Earth, what are the sources of air pollutants. And also there are questions such as the criteria, differentiate the criteria between hazardous pollutants and why O3 is not taken as criteria pollutant. So basically, when you study this air pollution, so air pollution itself is a course in civil engineering. Civil engineering mein air pollution ek apna hi course hai, jispe sare ke sare pollutants ke bare mein discuss kiya jata hai. Kaun release kar rahe hain, kaun usko monitor kar rahe hain. आप यहाँ पे निमराना में जब आप जाओगे, then you see a board that is displaying the current air pollutant level. यहाँ board देखोगे आप, यहाँ से जाओगे ना सीधा, इधर board लगा हुआ, आपको board में दिखेगा कितने मिलीग्राम की पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड कितना क्रिएट कर रहा है, नॉक्स कितना क्रिएट, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है यहाँ पे, तो ये बताता है इंडिकेटर. सो दीज आर दी यू कैन से डेटा मेजरमेंट or data analyst instruments monitored in front of the companies. So what they monitor is how much amount of emission is been generated in the nearby vicinity. समझ आया? ठीक है, तो हम अब एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ी चीजें सारी डिस्कस करेंगे.
ठीक है, वी हैव प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, राइट डाउन वी हैव सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो व्हाट आर प्राइमरी, बेसिकली प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हम किन्हें कहते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी है, हेलो आपकी गाड़ी है, वो एक पॉइंट सोर्स है, क्या है, पॉइंट सोर्स, वो गाड़ी धुआं छोड़ रही है, तो ये आपके आगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में. देन देयर इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली क्या कहता है कि सपोज करो कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट इंटरैक्ट कर रहा किसके साथ, अनदर नेचुरल रिसोर्स के साथ या नेचुरल गैस के साथ, टू प्रोड्यूस अ न्यू हार्मफुल कंपाउंड. सन के साथ रिएक्ट किया कोई गैस, सन सोलर एनर्जी के साथ कोई गैस रिएक्ट किया, वो जो गैस जो जनरेट हुई थी वो एक पॉइंट सोर्स से जनरेट हुई थी, पॉइंट सोर्स ने उसको जनरेट किया, सन एनर्जी ने उसके साथ रिएक्ट किया और एक अदर हार्मफुल पोल्यूटेंट हमारे को दे दिया, तो वो दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. सो व्हाट आर योर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट. सो अंडर द ईपीए वी हैव कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट मैटर, दीज आर दी प्राइमरी एयर पोल्यूशन. तो पहले प्राइमरी को आप स्टडी करना है ध्यान से, उसके बाद हमने स्टडी करना है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स को. ओके, अब ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन लिख लो. सबसे पहले इसमें ओजोन आएगा, फिर आएगा इसमें पैन, दैट इज पेट्रो ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, देन वी हैव फोटोकेमिकल स्मॉग, देन वी हैव एरोसोल्स एंड मिस्ट्स. सो दीज कम्स अंडर द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. So I will give you one PPT. In PPT there will be mentioned these types of pollutant generation. All right. Now what do you understand by a term known as photochemical smog? क्या होता है ये photochemical smog? So basically whenever there is a photochemical smog में basically क्या होगा? Sunlight जो होगा, ठीक है, इधर देखो. जो आपका सनलाइट है वो बेसिकली नंबर ऑफ गैसेस के साथ इंटरैक्ट करेगा सनलाइट, ठीक है, तो एक आपका रिएक्शन होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, उससे आपके नंबर ऑफ अदर पोल्यूटेंट्स जो है वो जनरेट होके आएंगे, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग, एज पर द डेफिनेशन इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स विच इंक्लूड्स पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देन वी हैव ओजोन एल्डिहाइड्स, पेरोक्सिली नाइट्रेट्स, unreactive hydrocarbon. So these are comes under the photochemical smog. So basically what this photochemical smog does, eye irritant, aankhon ke andar jo jalan hoti hai wo is photochemical smog se generate hoti hai. Then we have next is your aerosols and mists. All right, so what are these aerosols and mist? Aapne jo industries mein generation aerosol basically kya cheez hoti hai, ab hum एक ओपन एनवायरनमेंट में, अगर हम ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होते हैं और यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है, तो बेसिकली एयर का जो बबल है वो जो गैसियस फेज में हमारा एयर है वो ऐसे हवा में फ्लोट कर रहा होता है, उसको एरोसोल्स बोलते हैं. तो कंपनीज में क्या होता है, जब भी कंपनीज में मशीन्स वर्क कर रही हैं तो वो पोल्यूटेंट्स को एमिट करती हैं, तो वो पोल्यूटेंट्स जो है वो इन एरोसोल्स के साथ मिक्स होकर बेसिकली हम ब्रीदन कर लेते हैं. सो दैट कंपोनेंट और दैट कंपाउंड जो हमारे emissions industries में generate हो रहे हैं, either in a solid phase और either in a liquid और either in a gaseous phase, वो सारे के सारे हम basically क्या कर रहे हैं, inhale कर रहे हैं. अब आपको एक और चीज बताता हूँ, this is glass bottle. Why do I drink water in glass? Why? Because plastic जो है पानी के साथ react करता है और microplastics जो है वो इसमें liquid में चले जाते हैं और microplastics हमारे body के लिए harmful है. अच्छे, हमारा जो पानी का सोर्स है, वाटर का सोर्स है ना, वाटर का सोर्स बेसिकली कहाँ से आता है, हमारे यहाँ पे अवेलेबल जो पानी है वो कहाँ से है, ग्राउंड वाटर आ रहा है, ठीक है, कोई रेगुलर सप्लाई तो आ नहीं रही, हमारे ग्राउंड वाटर से बेसिकली पानी आ रहा है. अब ग्राउंड वाटर से पानी आता आता बेसिकली स्टोरेज टैंक में जा रहा है, वी डू नॉट नो हाउ द स्टोरेज टैंक इज आइदर गेटिंग क्लीन और नॉट, देन फ्रॉम दैट स्टोरेज टैंक वी आर यूजिंग द पंप्स टू सर्कुलेट इन पाइपलाइंस, and we do not know that pipelines are basically eroded
उसमें जंग लग रखा है, उसमें काई जमी हुई है, मोटी मोटी लेयर हो रखी है, वो पानी के फ्लूड के साथ आ रही है, फिर वो टैप में जा रहा है, टैप में वाटर हैमरिंग के थ्रू लीकेज हो रही है, वहां पे कुछ सील्स लगा रहे हैं, उसके बाद वो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो बॉटल्स के अंदर डालो, और उसको भी हम किस में डाल रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में, है ना। तो उसके लिए हमें व्हाट वी रिक्वायर इज, वी रिक्वायर द वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर क्या करेगा, जितना कचरा है उसको सेपरेट करेगा और क्लीन वाटर जो है वो हमारे को थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ होते हैं ना, जो आरओ, आरओ आर द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें बेसिकली वाटर जो है वो वेपर्स के फेस में कलेक्ट होगा, उसके बाद टैंक में स्टोरेज होगा, उसके बाद हमें मिलेगा। तो कार्बन बेसिकली उसकी फिलामेंट बॉडी क्या करती है, उसको फिल्टर आउट करती है, ठीक है ना, फिल्टर आउट करती है। तो और उसका यूवी क्या होता है, जितने भी हार्मफुल इसके अंदर माइक्रो बैक्टीरिया हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें क्या मिलता, हमें पानी क्लीन मिलता, लेकिन हमें पानी क्लीन के लिए बेसिकली मिनरल एडिटिव्स भी मिलते हैं आर ओस में, मतलब कुछ मिनरल्स भी बॉडी को चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना मिनरल के पानी पी रहे हो तो वो किसी काम के नहीं, वो एनर्जी नहीं देंगे। अब तभी कहता है बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन होती है, तो भैया इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दो, आरओ डाल दो, उसमें ग्लूकोज भी डाल सकती, उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर डाल दो, ताकि बॉडी के जितने स्पॉट्स अगर कम हो चुके हैं तो वो रीगेन हो जाए। पता चलो तुम्हें कई चीजें, ठीक है ना। तो हमारे को बेसिकली इस कोर्स के जरिए, एयर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप के जरिए बहुत चीजें ब्रॉडन आपको समझ आएंगी। हम इसके बाद हम मशीन्स पे भी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर फिल्टरिंग दिस एयर और द पोल्यूटेंट्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द